सर्दियों का मौसम और मेथी की रेसिपी मिल जाए खाने को और नाश्ते में तो क्या बात है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक गड्डी मेथी ली, उसे अच्छे से धो के काट लिया, साथ में दो प्याज और बेसन ले लिया है आधा कटोरी, साथ में आधा कटोरी चावल का आटा, कुछ मिर्ची हरी है और इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी, थोड़ा सा पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके स्वाद को बढ़ाएगा, लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स यानी कि, और स्वादानुसार हम 1 से 1.25 चम्मच नमक डालेंगे इसमें, साथ में जीरा आधा चम्मच के हिसाब से। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं अजवाइन, जो हमारी रेसिपी में जान डाल देगी। अजवाइन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इसे थोड़ा क्रश करके आपको डालना है। डालने के बाद जो है आप नमक और मसाले को पहले मिक्स करिएगा और मेथी और प्याज को फिर बाद में मिक्स करिएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको हाथ से छींटे मार लेना है 2 से 3 बार, और जब आप छींटे मार लोगे तो उसके बाद आप इसे अच्छे से दबा दबा के मैश कर लेना। तो जब आपका ये इस तरह से डो बनने लगे थोड़ा सा, कि आप इसका कोई डिजाइन बना सको, बॉल्स बना सको, उस हिसाब से हो जाए, बस इससे इतना ही पानी आपको ऐड करना है, इससे ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि मेथी और प्याज जो होता है ना बाद में नमक पड़ने के बाद मॉइस्चर छोड़ देता है, इसलिए ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। फाइनली मेरा एक बैटर बन गया है और अब हम इसमें लोइयां बनाएंगे। तो छोटी छोटी सी हाथ मैंने पहले वॉश कर लिया, उसके बाद हम इसकी लोइयां बना लिए हैं और इसे हम टिक्की के शेप में इस तरह से दबा दबा के कर लेंगे। बड़े ही आसानी से हो जाता है ये प्रोसेस। तो इसी तरह से मैं थोड़ा आपको एक और बताती हूँ, थोड़ा सा आप अंदाजे से अपनी लोई ले लीजिएगा और इसको राउंड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा जब आपका हाथ साफ होगा ना तो ये रोल अच्छे बनेंगे, नहीं तो आपके हाथ में वो चिपक चिपक जाएंगे और अच्छे से रोल नहीं बनेंगे। और भी सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये देखिए मैंने सारे टिक्कियाँ बना के मैंने रेडी कर ली हैं और अब हम इसे चल रहे हैं अपने कढ़ाई की तरफ, जिसमें कि हमने रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छा खासा गरम कर लिया था और इस गरम तेल में हमें अपने सारे टिक्की को डाल लेना है। तो ये हमारे मेथी के पकौड़े भी आप कह सकते हो, ये खाने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। ये प्रोसेस आपको मीडियम आंच पे करना है, जब आपका तेल अच्छा खासा गर्म हो जाए ना तब आप ये प्रोसेस करिएगा। अच्छा, ध्यान रखने वाली जो बात मैं कह रही थी वो ये है कि मेथी को थोड़े 2-4 घंटे पहले ही आप अच्छे से वॉश करके रख दीजिएगा, जिससे कि इसका जो भी पानी एक्स्ट्रा होता है ना वो झड़ जाए, क्योंकि अगर उसमें पानी रह गया और तो आप जब बेसन और चावल का आटा डालोगे ना तो वो ज़्यादा डालना पड़ेगा, जिससे आपको मेथी और प्याज का स्वाद इसमें नहीं आ पाएगा, बेसन ही बेसन रह जाएगा। तो ये प्रोसेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये देखिए 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही बढ़िया सा बनके हमारा तैयार हुआ है। साथ में मैंने यहाँ पे केचप लिया है और बस डिप करिएगा और चाय और नाश्ते के साथ गर्मा गर्म मेथी के पकौड़ी खाइएगा। अगर हमारी बताई गई रेसिपी आपको पसंद आएगा तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद, बाय।